नारायणा विद्यालय ने पालकों से जो अतिरिक्त शिक्षा शुल्क लिया है उसमें से बीते 2 वर्ष की राशि के रूप में स्कूल से 5,59,00,000 रुपए वसूले जाएंगे। इसी तरह पालकों को बेहिसाब लूटने वाले नागपुर शहर के 15 और निजी स्कूलों के ऊपर महीने भर में यही कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने दी। शुक्रवार को कड़ू ने बताया कि शिक्षा शुल्क अधिनियम 2014 के कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा यह पहली कार्रवाई की जाएगी। नारायणा विद्यालय द्वारा अतिरिक्त शिक्षा शुल्क वसूली को लेकर बीते कई दिनों से यहां के पालकगण संघर्ष कर रहे थे। इस तरह पालकों को लूटने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करते समय किसी के साथ कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ मजबूती के साथ इस मुद्दे पर नागरिकों के साथ खड़े हैं। इस बीच उन्होंने स्वीकार किया कि इस दौरान कुछ स्कूलों की शिकायतों के विषय में मंत्रियों और विरोधी पक्ष के भी फोन आए थे। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि शिक्षा विभाग के कई अधिकारी ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई से कतरा रहे थे। नारायणा स्कूल के प्रबंधन ने वर्ष 2017-18 की ही जानकारी दी। शिक्षण शुल्क अधिनियम में 2 वर्ष में एक बार और 15% से कम शिक्षा शुल्क बढ़ाने की मान्यता है, लेकिन इस नियम का सरासर उल्लंघन किए जाने की शिकायत सामने आ रही है, लेकिन बिना ठोस सबूतों के मनुष्य बल द्वारा जांच नहीं हो सकती। राज्य मंत्री कड़ू ने कहा कि यदि पालक फीस नहीं देंगे तो भी ऑनलाइन पढ़ाई बंद नहीं की जाएगी। जो ऑनलाइन कक्षाएं बंद करेंगे ऐसे स्कूल प्रबंधन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पर भी कोई प्रतिसाद न मिलने पर संबंधितों पर फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा। त्या निवेदनावर फक्त स्वीकारलंच नाही तर त्या निवेदनावर सातत्याने फॉलोअप घेतला की कुठपर्यंत कारवाई करण्यात येते आहे, यांनी कोणते नियम काढले, त्या कारवाईच्या अंतर्गत त्यांनी सेंट उर्सुला कॉन्व्हेंटमध्ये 13 तारखेला मीटिंग लावली। त्या मीटिंगमध्ये त्यांनी एक समिती गठित केली। त्या समितीच्या अंतर्गत त्यांच्या शिक्षण विभागातील 3 ते 4 कर्मचारी होते। त्या लोकांनी जाऊन पूर्ण संपूर्ण जो काही विद्यार्थ्यांबद्दलचा डाटा आहे, शाळेचा डाटा आहे, तो शाळेतनं कलेक्ट केला आणि त्या चौकशीच्या आधारावर हा जो आदेश निघालेला आहे हा त्या चौकशीच्या आधारावर निघालेला आहे। हा आदेश जवळपास मला वाटते सर्वांजवळ पोहोचला असेल। या आदेशानुसार अतिरिक्त शुल्क जे त्यांनी आकारलेलं आहे, म्हणजे जे शुल्क दर 2 वर्षांनी वाढायला पाहिजे होतं ते शुल्क दरवर्षी वाढवण्यात आलं, ते 15%च्यावर 15 ते 20% ते शुल्क वाढवण्यात आलेलं आहे। आणि ही कंडिशन फक्त एकट्या नारायणा विद्यालयाची नागपुरात नाही, का शैक्षणिक संस्था आणि पालक असा एक संघर्ष गेल्या 10-15 वर्षापासून आपण सातत्यानं पाहत आलो आहे। मी मुंबईसुद्धा जेव्हा शिक्षण राज्यमंत्री म्हणून बैठक घेतली तिथे पण सगळ्याइकडे ह्या अडचणी मला जाणीवपूर्वक दिसल्या। आणि याच्यात खास करून ही जी काही कारवाईच्या समोर आता पहिल्यांदा आपण जातो आहे, याच्या अगोदर इंधनघाटच्या शाळेवर आपण 4.5 कोटीची वसुलीचं आदेश काढलेले, त्याच्या अगोदर आपण अकोल्याला पूर्ण मॅनेजमेंटवर गुन्हे दाखल केले जे अतिशय फसवेगिरीचं काम करत होते। काय झालं, हा शैक्षणिक एक अतिशय पवित्र अशा पद्धतीचं शैक्षणिक कार्य आहे। ते पवित्र कार्य आता लोकांनी पैसेखोरी, निवड जमाखोरी आणि पैसे कमवासाठीच करतं का, असं एक फक्त एवढं चित्र दिसतं।